दोस्तों सीएनसी बेसिक इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके आल पे सेलेक्ट करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी बेसिक इन्फॉर्मेशन पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम मैनुअल फेसिंग प्रोग्राम देखेंगे। कल के वीडियो में जो था दोस्तों वो साइकिल का फेसिंग प्रोग्राम था, आज हम लोग मैनुअल फेसिंग प्रोग्राम देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों वीडियो फुल वॉच करना, क्योंकि आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। चलिए दोस्तों देखिए, कल का ही रॉ मटेरियल का साइज मैंने लिया हूँ। कल का भी लेंथ जो रॉ मटेरियल का साइज था 57 था, ओडी 40 का था, आज भी वही सा है। कल का साइज देखिए ये है 57 प्लस 40। आज भी हम लोग 5 mm का ही फेसिंग का प्रोग्राम बनाएंगे और देखते हैं मैनुअल फेसिंग प्रोग्राम कैसा रहेगा। दोस्तों जो कि प्रोग्राम नंबर अपना 4 अंकों का रहेगा, दोस्तों आपको तो मालूम है ओ, फिर उसके बाद 4 नंबर रहेगा। 4 नंबर में आप कुछ भी डाल सकते हैं। कल मेरा 1 नंबर था तो आज मैं 2 नंबर करता हूं दोस्तों, 0002 एंड ऑफ ब्लॉक। ओके, उसके बाद कल एक नंबर ही था ना दोस्तों, हाँ एक ही नंबर ही था, आज 2 नंबर प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद N1 G28 U0.0 W0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। ओके, PG92 स्पिंडल स्पीड 2000 डाल दिया दोस्तों, एंड ऑफ ब्लॉक। टूल नंबर कल 1 था, आज 2 ले लेते हैं, टूल नंबर 2 ऑफसेट नंबर 2 एंड ऑफ ब्लॉक। G96 M04 कटिंग स्पीड दोस्तों 180, कल के ही इतना मैं सब लिया हूँ, कल भी अपना वही था, आज भी दोस्तों वही सब है। बस हम लोग क्या चेंज करेंगे, जो ये साइकिल का जो अपना कल का जो वीडियो था साइकिल में था, आज हम उसको मैनुअल में बनाएंगे प्रोग्राम। तो अब ओडी कितना दोस्तों 40 का, तो G0X42 2 mm प्लस लिया दोस्तों, ठीक है। फिर जेड 5 mm फेसिंग करना अपने को यहाँ से यहाँ 5.0, तो चलिए मैं यहाँ पे जेड 10.0 M07 ले लिया दोस्तों। ओके, एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद जो अपने को 5 mm फेसिंग करना है, तो अगर आपका 5 mm से मटेरियल थोड़ा 57 से थोड़ा मटेरियल प्लस है 0.1 0.2, तो पहला कट आप 5 mm पे भी छोड़ सकते हो, G0 Z 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। ओके, फिर पहला कट अपना चालू हुआ दोस्तों। ये आपको मैं कल बताया था कि फेसिंग कहाँ तक उतारना है, 0-0 तक या कोई डायमीटर, मगर अपना तो सॉलिड मटेरियल है, आईडी का कोई साइज नहीं है, तो अपने को 0 तक ही उतारना पड़ेगा। तो पहला कट आया दोस्तों अपना G01 X-2.0 F0.2 डाल दिया दोस्तों, फीड मैंने ज़्यादा लिया, ठीक है। उसके बाद फिर G0 Z 6.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। ओके, मैंने 5 mm पे कट मारा, लेकिन मैं यहाँ पे 2 mm नहीं डाल सकता दोस्तों, 2 mm डालूंगा तो टूल मेरा बाहर जाने के बजाय, ये मेरा फेस है, ये मेरा रॉ मटेरियल है इधर, ये मेरा हवा में है। अगर जेड 5 mm पे कट लिया तो जेड 2 अगर मैं बाहर लेगा, टूल मेरा बाहर के बजाय अंदर जाएगा दोस्तों, तो मशीन मेरा डैश हो जाएगा। तो 5 mm है तो 6 mm, तो 7 mm 8 mm 10 mm जो भी लेना ले सकते, लेकिन 5 mm से प्लस ही आपको बाहर लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या टूल आया दोस्तों, फिर दूसरा लाइन G0X कितना था पहला 42 X42.0 X42.0 Z 6.0 एंड ऑफ ब्लॉक। ओके, अब दूसरा पेज में लेते हैं दोस्तों। ये क्या किया मैंने अभी, 6 mm पहले बाहर लिया फेस होने के बाद, फिर X42 Z 6, फिर मैंने टूल अपना ये पोजीशन पे ले लिया ऊपर। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, G0 Z कितने का कट लेंगे, हम लेंगे दोस्तों 0.5 का कट लेंगे। पहला कट कितने का मारा 5 mm पे, तो फिर 0.5 और कम करेंगे तो क्या साइज आएगा, Z 4.5 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, ठीक है। 4.5 साइज लिए दोस्तों। फिर G01 X-2.0 F0.2, ओके। फिर G0
जेड सिक्स ही डालता हूँ, 6.0 एंड ब्लॉक इंसर्ट। ओके फिर वही आ जाएगा दोस्तों, जी जीरो एक्स 42.0 जेड 5 डाल सकता हूँ क्योंकि 4.5 का फेसिंग कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, तो 5 में भी ऑलरेडी मेरा 0.5 बाहर ही है, जेड 5.0 एंड ब्लॉक। फिर उसके बाद क्या आएगा, जी जीरो जेड 4.0 एंड ऑफ ब्लॉक, फिर जी जीरो वन एक्स माइनस 2.0 एफ 0.2। समझ में आ रहा दोस्तों क्या है, पहले मैंने 4.5 mm का कट मारा, एक्स माइनस 2.0 मतलब सेंटर से 2 mm नीचे, कल के वीडियो में भी ये पॉइंट मैं बता चुका हूँ। हाँ तो 2 mm नीचे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 0.0 तक मारेंगे तो आपके जॉब के फेस में सेंटर में पॉइंट आ सकता है, इसके लिए 2 mm हम लोग नीचे उतारेंगे टूल ताकि ये पॉइंट ना रहे निकल जाए। ओके 2 mm माइनस लिया पीछे एक्स में, फिर जी जीरो जेड सिक्स टूल 6 mm बाहर लिया दोस्तों, 4.5 mm 5 mm भी लूंगा तो भी चलेगा, लेकिन मैंने 6 mm लिया कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद मैंने टूल फेस हुआ यहाँ सेंटर में आया, ये मेरा पूरा सेंटर में आया, फिर ये पीछे लिया टूल में, फिर उसके बाद क्या किया, जी जीरो एक्स 42 जेड 5, फिर मेरा टूल ये गया 42 पे, 5 mm थोड़ा अंदर आया ये, फिर उसके बाद क्या, जेड माइनस 4.0, फिर टूल मेरा थोड़ा 4.5 पे ये कट मारा था, अभी ये 4 पे आ गया। ओके फिर ये सेंटर में 4 mm पे लिया, फिर एक्स माइनस 2.0 डाला, फिर 0.2 के स्पीड में कटिंग करेगा, फिर यहाँ आया मेरा टूल, फिर उसके बाद क्या डालूंगा, जी जीरो जेड 5.0, फिर 5 mm पीछे लिया दोस्तों मैं, फिर उसके बाद वापस क्या डालूंगा, जी जीरो एक्स 42.0 जेड 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक, एंड ऑफ ब्लॉक डालना जरूरी है दोस्तों। फिर क्या किया मैं, फिर वापस मैं ऊपर लिया दोस्तों, अभी मेरा कितना mm का फेसिंग हो चुका, 5 mm से 4 mm, खाली 1 mm का फेसिंग हुआ, कितना लंबा प्रोग्राम हो गया आप लोग देखिए। उसके बाद दोस्तों फिर क्या आएगा, 4 mm का फेसिंग था, जी जीरो जेड 3.5 और कम किया मैं, फिर जी जीरो वन एक्स माइनस 2.0 एफ 0.2, फिर जी जीरो जेड 4.0 एंड ब्लॉक। ओके फिर क्या आया, जी जीरो एक्स 42.0 जेड 4.0 एंड ब्लॉक। फिर क्या आएगा दोस्तों, जी जीरो जेड 3.0 एंड ब्लॉक, 3.5 पे कट मारे थे लास्ट कट, उसके बाद 3 mm का कट आ गया। फिर क्या आया दोस्तों, जी जीरो वन एक्स माइनस 2.0 एफ 0.2 एंड ब्लॉक। ओके पूरा पेज फुल हो गया दोस्तों, अभी तक हम लोग 2 mm का खाली कट मारे, ये पेज में भी नहीं आएगा, लेकिन हम लोग इधर अभी 1 mm का कट मार के प्रोग्राम ख़त्म करूंगा, मैं बस आप लोगों को प्रोग्राम दिखाना चाहता था। 3 mm का कट मारे, उसके बाद जी जीरो जेड 4.0 एंड अ ब्लॉक, फिर क्या आएगा, जी जीरो एक्स 42.0 जेड 4.0 एंड अ ब्लॉक, फिर जी जीरो 3 mm कट मारे थे दोस्तों, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट 1 mm कट ले रहे हैं, जेड 2.0 एंड ब्लॉक, 3 mm से 2 mm आगे, फिर जी जीरो वन एक्स माइनस 2.0 एफ 0.2 एंड ब्लॉक, फिर जी जीरो जेड 3.0 एंड ब्लॉक, जी जीरो एक्स 42.0 जेड 3.0 एंड ब्लॉक, फिर जी जीरो जेड 2 mm कट लिए थे लास्ट, फिर अब डायरेक्ट 1 mm कट ले रहे हैं, जेड 1.0 एंड ब्लॉक, जी जीरो वन एक्स माइनस 2.0 एफ 0.2 एंड ब्लॉक। ओके फिर जी जीरो जेड 2.0 एंड ब्लॉक, जी जीरो एक्स 42.0 जेड 2.0 एंड ब्लॉक, जी जीरो जेड 0.1 एंड ऑफ ब्लॉक। यहाँ देखिए दोस्तों, मैं जेड 0.0 नहीं किया, लास्ट कट अपना 1 mm का था, अभी मैं 0.1 मटेरियल छोड़ रहा हूँ, मतलब 0.9 का कट मार रहा हूँ, 0.1 मटेरियल क्यों छोड़ रहा हूँ बताता हूँ, जी जीरो वन एक्स माइनस 2.0 एफ 0.2 एंड ऑफ ब्लॉक, इन जी जीरो जेड 10.0 एम 0.9 एंड ऑफ ब्लॉक। ओके
N2, G28, U0.0, W0.0, M05, end of block, M01, end of block, M30, end of block. देखिए दोस्तों, मैंने अभी यहाँ पे 0.1 क्यों लिया, इधर Z0.0 भी कट मार सकता था। 0.1 मटेरियल इसलिए लिया दोस्तों कि मेरा फेस फिनिश नहीं हो रहा है, तो मेरे को वापस फेस पे एक लाइट कर लेना है, तो उसके लिए हमको मटेरियल वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। अगर G0 डाल देता तो ये फेस मेरा फिनिश हो जाता, फेस में मटेरियल नहीं रहता। तो मैं VNMG या कोई दूसरा अदर टूल अगर मैं यूज करता फिनिशिंग के लिए तो उसको मटेरियल नहीं मिलता, इसके लिए मैं यहाँ पे 0.1 मटेरियल छोड़ा हूँ। और जो साइकिल का प्रोग्राम था कल का, उसमें कैसा था दोस्तों, साइकिल का प्रोग्राम जो था कल का, अच्छा ये तो आज का ही दोस्तों, पेज पूरा फुल हो गया, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये देखिए W0.1 यहाँ पे हम लोग मटेरियल छोड़े हैं, W0.1 ये साइकिल में ऑटोमेटिक को कैलकुलेट करके छोड़ देता है, और मैनुअल प्रोग्राम में हमें खुद छोड़ना पड़ेगा। मैनुअल प्रोग्राम में हमें खुद ये मटेरियल, अगर यहाँ वैल्यू में जीरो कर देता तो ये 0-0 पूरा फिनिश मार देता। दोस्तों देख लीजिए, कल का जो वीडियो था साइकिल का, ये इतने में मैंने रॉ मटेरियल का साइज दिया हुआ है, उसके बाद मैंने ये प्रोग्राम बताया जो कि एक एक लाइन मैंने छोड़ के बनाया। यहाँ पे देखिए कितना लंबा गैप गैप करके मैं बनाया, अगर ये प्रोग्राम मैं इसमें एडजस्ट करता यहाँ से यहाँ तक तो ये पूरा प्रोग्राम आ जाता जो कि 5 mm का था। अब ये 5 mm 15 mm का भी इतने ही डिस्टेंस में आएगा, लेकिन मैनुअल प्रोग्राम में दोस्त ऐसा नहीं है। यही चीज़ मैं कल के वीडियो में आपसे बार बार बोल रहा था, जो कि आज के वीडियो में आपको दिखाया। ये देखिए ये पूरा पेज यहाँ तक गया, उसके बावजूद यहाँ तक गया, ये भी इतने में भी नहीं आता दोस्तों। मैंने एक एम एम का कट लिया, तीन कट लिया, मतलब तीन कट मैंने कम कर दिया, हाँ तीन कट, ये पूरा पेज भर जाता दोस्तों। ये पूरा पेज होने के बाद फिर जाके अपना प्रोग्राम ख़त्म होता 5 mm का। तो अगर 10 mm रहता तो अभी ये जैसे 1, 2, 3, 4 पेज गया ना, 8 पेज जाएगा। तो जितना लंबा जितना ज़्यादा मटेरियल निकालना रहेगा मैनुअल प्रोग्राम में, उतना ज़्यादा पेज जाने वाला है। लेकिन साइकिल में ऐसा नहीं है दोस्तों, साइकिल में उतने ही प्रोग्राम में आपका 1 mm, 2 mm, 5 mm, 15 mm, कितना भी मटेरियल है उतना ही लंबा प्रोग्राम रहेगा। बस चेंज क्या होने वाला, आपको ये डिस्टेंस दोनों को आपको चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब सेम सेम है। हाँ, आपको कट कम ज़्यादा करना है तो इसमें आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब प्रोग्राम इतना ही लंबा रहेगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों फिर मिलेंगे अगला वीडियो दोस्तों अपना ये रहेगा G71 टर्निंग साइकिल। ओके चलिए दोस्तों, ओके बाय, टेक केयर।